सबसे पहले थोरेसिक वॉल्स की जो बोन्स होती हैं वो किस कितने थ्री बोन्स पे कंसिस्ट करती हैं? थोरेसिक वॉल स्टर्नम पे, थोरेसिक वॉल बॉडी, सॉरी स्टर्नम, रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है? इट कैन बी ये इसका एमसीक्यूज। हाय एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बोन्स ऑफ द थोरेसिक वॉल। थोरेसिक वॉल्स की जो बोन्स हैं सबसे पहले थ्री बोन्स पे कंसिस्ट करती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्टर्नम, ठीक है, रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस। सो ये इसका एमसीक्यूज हो सकता है कि जो थोरेसिक वॉल्व है उसकी बोन्स, इसका पता होना चाहिए, स्टर्नम, रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस। उसके बाद आ जाता है स्टर्नम। इट इज़ अ फ्लैट बोन डेट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। इसको हमने थ्री पार्ट्स यानी एम बी एक्स में डिवाइड कर दिया। एम मनीब्रियम, बी बॉडी और एक्स सीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब हम ये भी याद रखेंगे कि एम बी एक्स स्टर्नम में इंक्लूड है चीज़ें, जिसमें मनीब्रियम, जिसमें बॉडी और सीफॉइड प्रोसेस आता है। नेक्स्ट अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे मनीब्रियम की। मनीब्रियम फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। हेयर आई विल टेल, ये देखो इधर ऊपर की तरफ ये सारा मनीब्रियम बना हुआ है। अपर पार्ट ऑफ द, ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, और स्टर्नम का जो अपर पार्ट है वो ये है, और अपर पार्ट ऑफ द मनीब्रियम ऑफ द स्टर्नम इज जो है मनीब्रियम फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एट द मनीब्रियो स्टर्नल जॉइंट एंड इट ऑल्सो आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल एंड विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज and the upper part of the second coastal cartilage on each side. So you can see it articulates with the body of the sternum. Here is the body, this is the body, and this is the sternum angle here. It is the sternum angle, this is the body. So manubrium, this is a manubrium. Manubrium articulate with the body of the sternum. So manubrium articulate with the body of the sternum at the manubriosternal joint, and manubrium also articulates with the clavicles and with the first costal cartilage. Manubrium also articulates with the clavicle. This is a manubrium. There you can see here is the facet for clavicle and facet for first costal cartilage. Okay. So इधर जो है ये sternal angle. Here is the sternal angle, और we will study के sternal angle की क्या होती हैं, landmarks क्या हैं सबसे। लेकिन ये पता होना चाहिए कि manubrium की articulation clavicle के साथ भी है, और manubrium की articulation first costal cartilage के साथ भी है। क्लेविकल के साथ मनीब्रियम की आर्टिकुलेशन एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी है, और जो सेकंड कोस्टल कार्टिलेज है ना उसका अपर पार्ट उसके साथ भी है। तीन चीज़ों के साथ मनीब्रियम की आर्टिकुलेशन होती है। नंबर वन इज मनीब्रियम आर्टिकुलेट्स विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द अपर पार्ट ऑफ द सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल। Now we will talk about sternal angle, angle of Lois. Important जो इसके landmarks हैं, सबसे पहले it lies at the level of the sternal angle. इसमें इसके काफ़ी सारे MCQs इसके आ जाते हैं, so it's very important and you must know about it. So it lies at the level of the second costal cartilage. ठीक है, जो स्टर्नल एंगल है उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मनीब्रियम है, और मनीब्रियम जो उनसे होता है वो अपर पार्ट ऑफ द सेकंड कोस्टल कार्टिलेज और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज उसके साथ इसकी आर्टिकुलेशन होती है। लेकिन जो स्टर्नल एंगल जो इसके नीचे है मनीब्रियम के, ठीक है, तो उसकी वो लाई करता है एट द लेवल ऑफ द सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज, नॉट फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, जस्ट ओनली सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज। The intervertebral disc between the fourth and fifth thoracic vertebra, it lies between the fourth and the fifth thoracic T4 and T5. The junction of the ascending aorta and the aortic arch
एंड द जंक्शन ऑफ द एओर्टिक आर्च एंड द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, राइट? जंक्शन ऑफ द असेंडिंग एओर्टा एंड द एओर्टिक आर्च एंड द जंक्शन ऑफ द एओर्टिक आर्च एंड द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, द बाइफरकेशन ऑफ द ट्रैकिया, द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर मीडियास्टाइनम एंड द इन्फीरियर मीडियास्टाइनम. सो यू मस्ट नो दीज लैंडमार्क्स ऑफ द स्टर्नल एंगल, द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर मीडियास्टाइनम एंड द इन्फीरियर मीडियास्टाइनम, बाइफरकेशन ऑफ द ट्रैकिया स्टर्नल एंगल के लेवल पे होती है, ठीक है? इसके काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं, ट्रैकिया में भी आएंगे, तो वी विल स्टडी अबाउट दिस. द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर मीडियास्टाइनम एंड इन्फीरियर मीडियास्टाइनम, जंक्शन ऑफ द असेंडिंग एओर्टा एंड एओर्टिक आर्च, द सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे है, इंटरवर्टिबल डिस्क बिटवीन द फोर्थ एंड द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल रिवाइज हेयर थोरेसिक वॉल्व की बोन्स स्टर्नम, रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस हैं. स्टर्नम थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, मनीब्रियम, बॉडी एंड सीफॉइड प्रोसेस. और मनीब्रियम की ये डिटेल्स हमने आर्टिकुलेशन, मैंने आपको कई दफ़ा इस वीडियो में बताई हैं, तो आप इसको मस्ट स्टडी करें. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट डिटेल पढ़ेंगे. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक स्मॉल वीडियोज ताकि हर चीज़ वीडियो में कैप्चर हो जाए और हमें याद रहे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.